हाय फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे बीजगणित विषय रे पढ़िबा। तो देखो फ्रेंड, ये दिया जाइछि बीजगणित। तो बीजगणित क्या कहा जाए ता आम जानिबा। संख्या परिवर्ते संकेत को व्यवहार करी विभिन्न गाणितिक प्रक्रिया प्रयोग करने सम्बन्धीय विषय वस्तु को बीजगणित कहा जाए। एठारे कहिबार अर्थ हैला संख्या परिवर्ते यदि आमे गाणितिक प्रक्रिया को संकेत व्यवहार करी लेखिबा ताहेले ताकु आमे बीजगणित बोली कहिबा। एग्जांपल रे देखो, आमे बीजगणित काहाकु कहा जाए जानिबा। तो एग्जांपल फर्स्ट रे अछि 5 + 5 = 5 × 2 = 2 × 5। यह एक गाणितिक प्रक्रिया। ये गाणितिक प्रक्रिया रे जदि 5 स्थान रे आमे एक्स को नहीं यही लिखिबा x + x = x × 2 = 2 × x, तो यही प्रक्रिया को ये गाणितिक प्रक्रिया को आमे बीजगणित बोली कहिबा। सेपरी सेकेंड रे अच्छी देखो 4 + 4 + 4 = 4 × 3 = 3 × 4। यह एक गाणितिक प्रक्रिया। यही गाणितिक प्रक्रिया रे 4 स्थान रे यदि आमे ए संकेत को व्यवहार करी यदि लिखिबा a + a + a = a × 3 = 3 × a, तो यही प्रक्रिया को आमे बीजगणित बोली कहिबा। मु आशा करूछि तुम्हें माने बीजगणित काहाकु कहा जाए बुझी पारिथिबो। तापरे रहिछि प्रेण चलराशि। तो चलराशि काहाकु कहा जाए ता आमे जानिबा। देखो प्रेण, एमिति एक राशि जहार मान सबुबेले बदली रहुथाय, अर्थात जहार मूल्य निश्चित रही नथाय, सही राशि को चलराशि कहा जाए। एग्जांपल माध्यम रे आमे ए चलराशि कहा को कहा जाए जानिबा पई चेष्टा करिबा। a b c d e f, एमिति x y z जाए, एगुडी को हेउची चलराशि। एहा गोटे गोटे चलराशि, तो ए राशि मानकर मूल्य सबुले समान नथाय। देखो एठी ए रो मूल्य 2 हेला बेले एठी ए रो मूल्य 5 हेउची, एठी ए रो मूल्य 100 मध्य हेउची। सेहिपरी एक्स रो मूल्य एठी 3 लेखा जाइछि, तो एक्स रो मूल्य एठी 5 लेखा जाइछि, एठी एक्स रो मूल्य 7 मध्य लेखा जाइछि। तो ए राशि मानकर मूल्य सब बेले सब स्थान रे समान रहुनाही, सेथि पई एही राशि को आमे चल राशि कहिबा। तापरे रहिछि फ्रेंड स्थिर राशि। स्थिर राशि काहाकु कहा जाए आमे जानिबा। देखो, एमिति एक राशि जहार मान निश्चित होई रहिथाय, अर्थात जहार मूल्य बदलु नथाय, सेही राशि को स्थिर राशि कहा जाए। तो एग्जांपल माध्यम रे आमे स्थिर राशि कहा को कहा जाए भल भाव बुझिबा पई चेष्टा करिबा। देखो एठी दिया जाई छी 1 2 3 4, एमिति नंबर गुड़िक जहाँ रही छी सब को आमे स्थिर राशि बोली बुझिबा। काहे कि ना ए नंबर मानकर मूल्य बदलु नाही। एठी देखो 2 रो मूल्य 2 ही रहिबो, 3 रो मूल्य 3 ही रहिबो सब बेले, सेति पई ए नंबर मान को आमे स्थिर राशि बोली कहिबा। तापरे रहिछि फ्रेंड सदृश पद। सदृश पद काहा को कहा जाए आमे जानिबा। जेउ पद गुड़ी करी एका प्रकार राशि बा एका राशिर एका घात रहिथाय, सही पद गुड़ी को सदृश पद कहा जाए।
ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ସହଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତ ସଦୃଶ ପଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଗ୍ଜାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଠି ଏଗ୍ଜାମ୍ପଲ ଫାଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ବି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ବି ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ ବି ଏ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତିନୋଟି ପଦକୁ ଆମେ ସଦୃଶ ପଦ ବୋଲି ବୁଝିବା। ଏଇ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ରାଶିମାନ ସମାନ ଅଛି। ଏଠି ଅଛି ଏ ବି, ଏଠି ବି ଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ ବି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ ବି ଅଛି। ସାଂଖ୍ୟିକ ସହଗ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସଦୃଶ ପଦ ବୋଲି ବୁଝିବା। ସେହିପରି ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଟୁ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍, ଫିଫ୍ଟିନ୍ କ୍ୟୁ ଆର୍ ପି, ଫାଇଭ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଆର୍ ପି କ୍ୟୁ। ତ ଏଠି ତିନୋଟି ପଦ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏହି ତିନୋଟି ପଦରେ ରାଶିମାନ ସମାନ ଅଛି। ଦେଖ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏଠି ରାଶି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ରାଶି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ରାଶି ସମାନ ଅଛି। ସାଂଖ୍ୟିକ ସହଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନୋଟି ପଦ ସଦୃଶ ଅଟେ। ସେହିପରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ୱାଇ ଜେଡ୍, ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ୱାଇ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଜେଡ୍। ଏହି ତିନୋଟି ପଦ ମଧ୍ୟ ସଦୃଶ ପଦ ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ରାଶି ଗୁଡ଼ାକ ସଦୃଶ ସମାନ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ୱାଇ ଜେଡ୍, ଏହି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ୱାଇ ଜେଡ୍, ଏହି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ୱାଇ ଜେଡ୍ ରହିଛି। ଏହି ରାଶି ଗୁଡ଼ାକ ସମାନ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସଦୃଶ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସଦୃଶ ପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରେନ୍ ଅସଦୃଶ ପଦ। ଅସଦୃଶ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାଶି ବା ଏକା ରାଶିର ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସଦୃଶ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସଦୃଶ ପଦକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଠି ଫାଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି ଟୁ ଏ, ଥ୍ରୀ ବି, ଫୋର୍ ସି। ଏଠି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ରାଶିମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅସଦୃଶ ପଦ ବୋଲି ଜାଣିବା। ସେହିପରି ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ଟୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ, ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଫୋର୍। ଏଠି ଦେଖ ତିନୋଟି ପଦ ଅଛି, ତିନୋଟି ପଦରେ ରାଶି ଏକ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାଶିର ଘାତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି, ତ ଏଇ ତିନୋଟି ପଦକୁ ଆମେ ଅସଦୃଶ ପଦ ବୋଲି ଜାଣିବା। ସେହିପରି ଥାର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି ଟୁ ଏକ୍ସ, ଥ୍ରୀ ୱାଇ, ଫାଇଭ୍ ଜେଡ଼। ଏଠି ମଧ୍ୟ ରାଶି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ଏଠି ଏକ୍ସ ଅଛି, ଏଠି ୱାଇ, ଏଠି ଜେଡ଼, ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଶି ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅସଦୃଶ ପଦ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅସଦୃଶ ପଦମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରେମ ନିୟମ ୱାନ୍। ତ ଏଇ ନିୟମ ୱାନ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସଦୃଶ ପଦର ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେଲେ ସଦୃଶ ପଦମାନଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟିକ ସହଗମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ନିୟମ ଏକକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏଠି ସଦୃଶ ପଦମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଦିଆଯାଇଥିଲେ କିପରି ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ତାହା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଏ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏର ସାଂଖ୍ୟିକ ସହଗ ୱାନ୍ ଅଛି ଆଉ ଏର ସାଂଖ୍ୟିକ ସହଗ ୱାନ୍, ୱାନ୍ ୱାନ୍ ମିଶିକି ଟୁ ହେଇଛି, ଟୁ ଏ ହେଉଛି ଯୋଗଫଳ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଏ। ସେହିପରି ଥ୍ରୀ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଏ। ଏଠାରେ ଥ୍ରୀ ଏ ଆଉ ଟୁ ଏ ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ପଦ, ତ ସଦୃଶ ପଦମାନଙ୍କର ଆମ
सांख्यिक सहग को एठारे जोग करिकी एटी लिखा जाय छी 5 ए 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 5 ए एठारे जोगफल तो एई परि भाबरे सदृश पद मानकर जोगफल स्थिर करा जाय थे तापरे रही छी फ्रेंड नियम 2 नियम 2 को आमे जानी नबा सदृश पद मानकर बिजोग फल स्थिर करबा को हेले पद मानकर सांख्यिक सहग मानकर बिजोग फल स्थिर करबा को हुए तो एग्जांपल माध्यम रे एही नियम 2 को आमे बुझी नबा 7a माइनस 3a इक्वल टू 4a इठारे देखो 7a हेउची गोटी पद आउ 3a हेउची गोटी पद ए पद द्वय सदृश पद हितबारु ए पद मानकर सांख्यिक सहग मानकु वियोग करा जाय कि एटी वियोग फल लेखा जाय छि 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 4 को एटी लेखा जाय छि तो 7a माइनस 3a इक्वल टू 4a होइ छि वियोग फल सेइ परि 9a माइनस 5a इक्वल टू 4a एठारे 9a ओ 5a पद द्वय सदृश तेणु एमानकर सांख्यिक सहग को वियोग करै जई एठारे वियोग फल लेखा जाय छि 9a माइनस 5a इक्वल टू 4a एहि परि भाबरे सदृश पद मानकर वियोग फल स्थिर करा जाय थै तापरे अछि फ्रेंड नियम 3 असदृश पद मानकर जोगफल स्थिर करबा को हेले असदृश पद मानकर सांख्यिक सहग मानकर जोगफल स्थिर करा जाय नाही एई नियम 3 को आमे एग्जांपल माध्यम रे बुझबा पई चेष्टा करबा एठी देखो दिया जाय छी a प्लस b इक्वल टू a प्लस b a गोटिए पद b गोटिए पद एई पद द्वय असदृश पद हितबारो एमानकर जोगफल करा जाई पारिबो नाही तेणु a प्लस b इक्वल टू a प्लस b ही जोगफल हेबो सेइ परि 5a प्लस b 5a गोटिए पद b गोटिए पद एई दुईटी पद असदृश पद हितबारो एमानकर जोगफल करा जाई पारिबो नाही तेणु जोगफल 5a प्लस b ही रहिबो एई परि भाबरे असदृश पद मानकर जोगफल स्थिर करा जाय थै तापर फ्रेंड रहिछि नियम 4 नियम 4 रे अछि असदृश पद मानकर वियोगफल स्थिर करबा को हेले असदृश पद मानकर सांख्यिक सहग मानकर वियोगफल स्थिर करा जाय नाही ए नियम 4 को आमे एग्जांपल माध्यम रे बुझबा पई चेष्टा करबा एग्जांपल रे रहिछि x माइनस y इक्वल टू x माइनस y x गोटी पद y गोटी पद ए दुईटी पद असदृश पद हितबारो ए मानकर वियोग फल होई पारिबो नाही तेणु x माइनस y इक्वल टू x माइनस y ही वियोग फल हेबो सेइ परि 2y माइनस z इक्वल टू 2y माइनस z वियोग फल लेखा जाय छि एठारे 2y गोटे पद z गोटे पद ए दुईटी पद असदृश पद हितबारो ए मानकर वियोग फल करा जाय पारिबो नाही तेणु 2y माइनस z इक्वल टू 2y माइनस z वियोग फल एई परि भाबरे असदृश पद मानकर वियोग फल स्थिर करा जाय थै तो मु आशा करबी एई बीजगणित वीडियो टी तुमे माने भलो भाबरे बुझी पारिथिबो तो आजि पई एतिकी थैंक यू फ्रेंड।